बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ क्या तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और बहुत रहम वाला है। दोस्तों बहुत ही कुछ अहम खबरें नवारे हैं, बजट पर बहस करेंगे। बजट कैसा रहा तो ताजरान ने बजट को बिल्कुल नाकाम करा दिया है। आवाम दोस्त बजट बिल्कुल भी नहीं है जो बजट है, और इसको मज़ीद महंगाई इससे आ सकती है और मज़ीद महंगाई का बोझ आवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि 30 से 35% जो है तनख्वाहों में और 17.5% जो है वो पेंशन में इजाफा कर दिया गया है। तो मैंने हिसाब लगाया तो फर पर्सन जो जितने मुलाजमीन हैं उसके तनख्वाहों में 10,000 औसतन इजाफा हुआ है। तो 10,000 ये जो है ये हमारे जेबों से निकालेंगे, तो इससे मज़ीद महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि ये तो अपनी जेब से नहीं देंगे ना। अगर अपने जेब से देते तो फिर अच्छा होता है, 30 से नहीं 50% एक्स्ट्रा कर देते, लेकिन ये हमारे जेबों से निकालेंगे। इसके बजाय 30 से 35% इजाफा किया, अगर इससे महंगाई थोड़े से कम कर देते ना तो बहुत बेहतर होता, महंगाई कम हो जाती है, इससे आम आम को रिलीफ मिलता। ये तो बड़े बड़े लोग हैं, अगर आप देखें तो जिसकी 3 लाख रुपये तनख्वाह है तो पता है आपको कितने इजाफा हुआ है। उसके तनख्वाह में 90,000 रुपये इजाफा हुआ है, तो उसको 4 लाख रुपये मिलेंगे। अगर जिसकी तनख्वाह 4 लाख रुपये थी तो उसके तनख्वाह में 1,20,000 रुपये इजाफा हुआ होगा, उसे 5,20,000 रुपये मिलेंगे। तो ये तो हमारे जेब से निकलेगी, 1,20,000 उसको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो किधर से मिलेंगे ना। नवाज शरीफ तो अपने जेब से नहीं देगा, या जरदारी अपने जेब से तो नहीं देगा, या शहबाज शरीफ तो अपने जेब से नहीं देगा। इसके अलावा 1,805 अरब रुपये जो है वो सिर्फ और सिर्फ दिफाई बजट के लिए मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा पंजाब के लिए 457 अरब प्लस 4 अरब रुपये महाना वो देंगे, तो वो 450 अरब रुपये 550 अरब रुपये तक बनते हैं। इसके अलावा सिंध के लिए 617 अरब रुपये, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के लिए 250 अरब के तकरीबन में भी। तो ये बहुत ज़्यादा है, पंजाब KPK से और बलूचिस्तान से ये बहुत ज़्यादा है कि इसने इतना कम बजट रखा है इनके लिए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें बहुत महंगी हो चुकी है, जिस पर टैक्स कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिस पर टैक्स भी कम हुआ है, जैसे कपड़ों पर, जैसे गाड़ियों मोबाइल्स वगैरह पर। इसके अलावा कॉस्मेटिक पर 100% टैक्स लगा दिया गया। इसके अलावा और चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। दोस्तों ये थी बजट के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। दोस्तों अभी तक इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह ने कहा, अगर भी बहुत ज़्यादा है तो पसीना निकल रहा है मेरा, इसलिए इसके लिए माजरत।